हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे वायर शार्क के बारे में कि वायर शार्क क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको पैकेट एनालाइजर के बारे में बताया था, या पैकेट स्निफर भी जिसे बोला जाता है। बेसिकली ये क्या होता है कि आप किसी के कनेक्शन से या किसी नेटवर्क से पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि पैकेट्स क्या होता है। जब आप कोई इंटरनेट सर्व करते हैं किसी भी डिवाइस में, एंड्रॉयड में या कंप्यूटर में अपने, तो जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए एक एंड्रॉइड फोन में कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो 1 MB की फाइल कई सारे पैकेट्स में आती है जो नेटवर्क प्रोवाइडर आपको देता है। वो सारे पैकेट्स जब कंबाइंड होते हैं तो एक फाइल को बनाते हैं, ठीक है। तो एक फाइल के कई सारे पैकेट्स हो सकते हैं। ऐसे ही आप पैकेट्स भेजने और लेने के बीच में उन पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसमें वो इंफॉर्मेशन होगी जो वो पैकेट्स मिलकर फाइल बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सॉन्ग डाउनलोड कर रहा हूं, ठीक है, वो 1 MB का, 1 MB का सॉन्ग है और मैं डाउनलोड कर रहा हूं। उस सॉन्ग का कुछ नाम होगा, राइट, उसका कोई फॉर्मेट होगा, MP3 होगा या वेव होगा, कुछ भी होगा। तो हर पैकेट में उस फाइल की इंफॉर्मेशन होगी। आप इसको ऐसे लेके चलिए, ये एक MP3 फाइल है, ठीक है, और इसके अलग अलग पार्ट बटे हुए हैं। अब ये इसी फाइल के तो पार्ट है ना, तो उन पार्ट्स में ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे पैकेट्स मिलके एक फाइल बनाते हैं इंटरनेट पर जब आप कोई चीजें डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उन पैकेट्स को कैप्चर कर लेते हैं लोग और देखते हैं कि वो किस फाइल की है, कहां जा रही है, क्योंकि वो पैकेट्स आपके फोन में आ रहे हैं, वो कहां जा रही है, उसका एड्रेस क्या है, एक्सटेंशन क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। मैंने पैकेट एनालाइजर के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पर बस बेसिक्स बता दिया कि क्या होता है। मैंने किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बताया था। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूं और वो सॉफ्टवेयर है वायर शार्क। एक और भी सॉफ्टवेयर है जिसको TCP डंप बोलते हैं। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, ये पैकेट स्निफिंग में काम आते हैं और इसको एजुकेशन पर्पस के लिए भी दिखाया जाता है, क्योंकि ताकि लोग समझ पाए कि पैकेट्स और डेटा क्या क्या कनेक्शन होता है और क्या कॉम्बिनेशन होकर ये चीजें काम करती हैं। क्योंकि जब लोगों को सीखना है तो पता होना चाहिए ना चीजें कैसे काम करती हैं। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप पैकेट्स के बारे में समझ पाए, ठीक है। और आप वायरशार्क की वेबसाइट पर जाएंगे या विकिपीडिया पे वायरशार्क सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं पैकेट स्निफिंग से लेकर या पैकेट्स से रिलेटेड या वायरशार्क से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।